मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। जी 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 बात मैम, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का अपमान किया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरह आप देखते हैं कि यहाँ पर डीएनए के एक इंटरव्यू को डीएनए को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रनावत ये ड्रग लेती है, और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। किसकी तरफ से होगी ये जानकारी? सर, सर, ऑर्डर दिया गया? सर, ऑर्डर दिया गया क्या? हाय, दिस इज योर रे मेहंदी, और मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि आज कंगना रनावत जी को अगर ये सिक्योरिटी मिली है और उसके लिए पूरा चिल्लम चोट हो रही है, पूरी दुनिया चलाने लग गई है, खास करके महाराष्ट्र सरकार के कुछ लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, तो क्या सिर्फ सिक्योरिटी सिर्फ पॉलिटिशियन और बड़े लोगों के लिए रह गई है? क्या एक आर्टिस्ट को जो के सच्चाई के लिए लड़ रहा है, जो इतने ऑनेस्ट के साथ इतना सच्चाई बोल रही हैं, और उसके लिए आप इतना चिल्ला रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप सब साथ दें इस बात का, और ये बहुत जायज है, बहुत जो केंद्र सरकार ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है, मैं इसकी सराहना करना चाहता हूँ। संजय राव जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ, आप एक सरकारी मुलाजिम है, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान नाक मुंह कान जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यू, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी, उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे, आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।